दोस्तों साल 2020 की मच अवेटेड फिल्म ट्रिपल आर यानी के बाहुबली फिल्म डायरेक्टर एसएस राजामौली की जूनियर एनटीआर और रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ट्रिपल आर की खबर लेकर हम आ गए हैं। दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है कि फिल्म का जो टीजर है, फर्स्ट लुक है, आप सबके सामने जल्द ही आने वाला है। 290 करोड़ में बनकर तैयार हो रही एसएस राजामौली की बाहुबली सीरीज के बाद सबसे बड़ी फिल्म ट्रिपल आर अगले साल 30 जुलाई को दर्शकों के सामने होगी, लेकिन जो इसकी पहली झलक है वो नवंबर के महीने में हम सबके सामने आएगी, ऐसी खबर सामने आ रही है। एसएस राजामौली फिल्म की शूटिंग को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। फिल्म की शूटिंग काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि अजय देवगन का पार्ट शूट करना अभी बाकी है क्योंकि अजय इस वक्त अपनी सबसे बड़ी फिल्म तानाजी की शूटिंग में व्यस्त है, लेकिन एसएस राजामौली और अन्य सितारे फिल्म की शूटिंग में कोई भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। डीवीवी प्रोडक्शन हाउस में बन रही ट्रिपल आर मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जो 1920 की कहानी होगी। फिल्म के अंदर बॉलीवुड तड़का भी लगेगा। हॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी जॉन भी इस फिल्म के अंदर हमें नजर आएगी। तो दोस्तों ट्रिपल आर के फर्स्ट लुक के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? आपको क्या लगता है जब साउथ के दो बड़े सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और रामचरण और बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और एक्टिंग क्वीन आलिया भट्ट एक साथ नजर आएंगी, वो भी बाहुबली फिल्म डायरेक्टर एसएस राजामौली के साथ, तो दर्शकों को कितना क्रेज मिलेगा फिल्म देखने के लिए आप खुद ही सोच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंचे।